खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से घटता है, आज इसी कहावत को चरितार्थ किया है बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय के जाने माने डॉक्टर सुमित रावत ने। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के बाहर जरूरतमंद बच्चों को डॉक्टर सुमित रावत के द्वारा क्रिसमस पर बच्चों के बीच उपहार बांटने के साथ ही नोटों की बारिश करना और लुटाना आज चर्चा का विषय बना रहा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बीएमसी में नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप गरमाए हुए हैं। ऐसे में यह कार्यक्रम इस तरह से इसी बात का विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है। रविवार की सुबह डॉक्टर सुमित रावत ने झुग्गी बस्तियों के बच्चों के साथ क्रिसमस और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नए वर्ष का उत्सव अलग ही अंदाज में मनाया। बच्चों के लिए डीजे की व्यवस्था भी की गई थी, तो डीजे के गानों पर बच्चों ने जमकर डांस किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुमित रावत सांता क्लॉज बनकर आए और बच्चों को उपहार बांटे और साथ में शैक्षणिक सामग्री का भी वितरण किया। बच्चों से सामान्य ज्ञान के सवाल भी पूछे गए और सही उत्तर देने वाले बच्चों को उपहार स्वरूप पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर सुमित रावत ने भ्रष्टाचारियों पर तंज भी कसा। डॉक्टर सुमित रावत ने कहा कि हमारे देश में तीन जगह पैसे बांटे जाते हैं, पहला जब किसी अधिकारी से अपना काम करवाना हो जिसे हम रिश्वत कहते हैं, और दूसरा भगवान के दरबार में अपनी मनोकामना के लिए पैसे चढ़ाना, और तीसरा भगवान के बंदों के बीच जो ज़रूरतमंद हों उन्हें कुछ ना कुछ बांटना। तो मैंने तीसरा वाला रास्ता चुना है, इसलिए आज इन बच्चों के साथ मैं खुशियाँ मना रहा हूँ। एक तो नए साल का मौका है, नया साल आने ही वाला है, आज क्रिसमस का अच्छा दिन भी है, और बहुत दिन से मैं प्लान कर रहा था कि मैं इस तरह का कुछ करूं। तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप जब करना चाहते हैं बार बार वो अटक जाती है, या लोग आपको परेशान करते हैं, अनेक तरीके की परेशानियां आती हैं, तो उसके तीन तरीके होते हैं उसको दूर करने के। पहला तरीका तो ये होता है कि आपके जो वरिष्ठ हैं और जो आपका काम अटका रहे हैं आप उनको कुछ चढ़ोतरी कर दें, जो कि सबसे ज़्यादा चलन में है आजकल। तो हर जगह चढ़ोतरी लगती है, आपके मकान का काम नहीं हो रहा हो, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा हो, आपके दुकान का काम नहीं हो रहा हो, चढ़ोतरी कर दें। दूसरा फिर आदमी क्या करते हैं कि भगवान के यहाँ चढ़ोतरी कर देते हैं। उन्होंने कहा तिरुपति बालाजी गए, वहाँ चढ़ोतरी कर दी, वहाँ कुछ कर दिया, अनुष्ठान करा दिया, कुछ करा दिया। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो बताया गया है, तीसरा तरीका ये होता है कि हम जो भगवान के सच्चे रूप हैं, जो बच्चे हैं, जो भगवान के सच्चे रूप हैं, हम उनके प्रति कुछ चढ़ोती करें, उनके बीच में कुछ खुशियां बांटें कि उनके साथ हम कुछ एन्जॉयमेंट कर सकें। तो एक ये भी तरीका होता है तरक्की करने का। तो अब ये है, मंजिल मिले ना मिले लेकिन मज़ा तो आएगा। और कोई क्या परेशानी जा रही है, किसके लिए चढ़ोती जा रही है? परेशानियां ऐसी कुछ नहीं जा रही, मैं तो बहुत मज़े में हूँ। परंतु क्या होता है, लोग अनावश्यक कई बार वो करते रहते हैं चीज़ों को ना, कि ये ऐसा है वैसा है, परेशानी क्या है, सब मजे में हैं। आज क्या कर रहे हैं, किस तरह से? आज अपन जो है, हमने डीजे यहाँ बुलाया हुआ है, सभी बच्चों के लिए स्वीट्स हैं, इनका कंपटीशन है, हम बच्चों से टेबल वगैरह और अच्छी अच्छी चीज़ें पूछेंगे, इनसे एक्टिविटीज़ कराएंगे, और उसी के द्वारा जो है बच्चे इन्जॉय करेंगे। सभी संजय नगर, तुलसी नगर, सभी जगहों के बच्चे हैं, और आज का दिन छुट्टी का है, एन्जॉयमेंट का दिन है, तो अपन सभी के साथ इन्जॉय करेंगे। तो उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ें होंगी। क्या होता है, एक जगह कोई भी चीज़ होती है तो आगे भी उसका प्रचार प्रसार होता है, लोग इंस्पायर होंगे कि बजाय इसके कि हम व्यर्थ चीज़ों में पैसा खर्च करें, हमको समय और पैसा दोनों इम्पोर्टेंट हैं, तो हम अपना समय और पैसा ऐसी जगह खर्च करें कि जो एक यादगार रहे, और बच्चे आज पढ़ेंगे तो कल हो सकता है मुझे याद करें, और इसी तरह से हो सकता है ये भी आगे लोगों को प्रेरित करें। तो यही उद्देश्य है।